हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सेलेस में। फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में हम राशन कार्ड केवाईसी को लेकर एक अपडेट आया है, जो कि उस अपडेट को आपको दिखाने वाले हैं। वो अपडेट क्या है कि आपको पता होगा फ्रेंड कि जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड की हमारी ई केवाईसी हो रही है। और ई केवाईसी क्यों जरूरी थी, जैसे कि राशन कार्ड में अगर आपके कुछ यूनिट्स ऐड थे और घर में अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो वहाँ पर उनका राशन कार्ड उस यूनिट में अभी भी चल रहा था, तो उनका नाम वहाँ पे काटने के लिए या फिर केवाईसी आप करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ वो आदमी है, मौजूद है कि नहीं है। तो इन सब का जो है सफाया करने के लिए राशन विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि राशन की केवाईसी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो जिसकी लास्ट डेट 30 जून थी, बट फ्रेंड 30 जून तक तो सबका केवाईसी नहीं हो पाया। तो अभी इसकी अपडेट निकल के आई है कि राशन कार्ड की केवाईसी का जो लास्ट डेट है वो अभी जो है 30 सितंबर तक हो चुका है। यानी कि आप अभी 3 महीने का आपको समय है, 3 महीने में आप कभी भी अपना राशन कार्ड का केवाईसी कर लेंगे। तो फ्रेंड आप यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हैं जो वहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस इसमें दिखाया गया है कि क्या अपडेट है और कब तक आपकी जो है राशन कार्ड की केवाईसी का डेट है। तो हम उसको रीड करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और राशन कार्ड धारियों के लिए आधार सीडिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना बताई गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बताया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 14/3/2024 द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 30/6/2024 तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य की गई थी। यानी कि इसका जो सबसे पहले अपडेट आया था वो अपडेट हमारा आया था 14 मार्च 2024 को कि आधार सीडिंग करानी है। तो देखिए, इसका लास्ट 30 जून तक था, बट 30 जून तक इसकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाया था, आधार सीडिंग इसकी नहीं हो पाई। अभी देखिए यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि पुनः भारत सरकार की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 11/6/2024 द्वारा, मतलब 11 जून को अपडेट आया था, और द्वारा राशन कार्ड में प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 30/9/2024 तक, यानी 30 सितंबर 2024 तक आधार संख्या की सीडिंग के लिए अवधि विस्तार किया गया। यानी कि लास्ट डेट इसके अभी मान लीजिए इसमें 30 सितंबर है, 30 सितंबर तक आप इसकी आधार सीडिंग करा सकते हैं, आप 30 सितंबर तक इसकी आधार सीडिंग करा सकते हैं, राशन की केवाईसी करा सकते हैं। अभी देखिए, अतः राज्य के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड में प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 30/9/2024 तक अनिवार्यतः करा लें। इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ईपोस यंत्र के माध्यम से निशुल्क आधार सीडिंग करा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आप जहाँ कहीं भी हैं, जब केवाईसी चालू हो जाती है तो आप जहाँ कहीं भी होंगे, अगर मान लीजिए आप शहर में हैं, वहाँ पे भी राशन का डीलर कोई ना कोई होगा, वहाँ पे आप जाएंगे, अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का आपका जो राशन नंबर होगा उसको आप उनको बताएंगे, और जिस मशीन से वो राशन आपको देते हैं उसी मशीन से आपका वो केवाईसी करेंगे। तो वहाँ पे आपको फिंगर को कैप्चर कराना हो गया, या फिर आप घर पे आ सकते हैं तो आप घर पे आके केवाईसी करा लीजिए, बट यही प्रोसेस यहीं पे नहीं है। अभी केवाईसी का अपडेट तो बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे, हम भी आपको बता रहे हैं, बट आप जब राशन डीलर के पास केवाईसी के लिए जाएंगे तो राशन डीलर आपका केवाईसी नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि ऐसा कोई अपडेट नहीं है, कुछ तो बोल रहे हैं ऐसा कोई अपडेट नहीं है। हाँ, जिसको जानकारी है वो भी कर नहीं रहा है। और इसका एक अपडेट ये भी निकल के आया था कि जितने भी राशन डीलर हैं उन्होंने जो है हड़ताल किया हुआ था कि राशन केवाईसी करने के लिए। अभी एक राशन फैमिली में 5 से 7 लोग का यूनिट होता है, मान लीजिए अगर उनके ग्राम सभा में उन राशन डीलर के दुकान पर मान लीजिए अगर 250 से 300 राशन कार्ड है, पर राशन कार्ड अगर आप 5 5 पकड़ के चलते यूनिट को, तो आप समझ लीजिए कितने लोगों का उनको केवाईसी करना होगा, जो कि निःशुल्क केवाईसी करना है, तो उनको तो दिक्कत होगी। उन्होंने हड़ताल किया था कि या तो हम उनसे पैसा लें, क्योंकि मैंने सुना था उन्होंने बोला था कि हमें केवाईसी का कुछ चार्ज लेना चाहिए इसके लिए, या फिर एक काम किसी और को दे दो, या फिर जनसेवा वालों को दे दो। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर एक काम जनसेवा वालों को मिल सकता है तब भी अच्छी बात है, बाकी राशन डीलर अगर इस केवाईसी प्रोसेस को करेंगे, हाँ इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि केवाईसी प्रोसेस को करना इतना ईजी नहीं है, सर्वर भी सही से काम नहीं करता है, मशीन सही से लोड नहीं लेती है। कभी कभी आप जाते होंगे राशन लेने के लिए तो आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पर जब आप राशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे ही पता चलता है कि सर्वर काम नहीं कर रहा, फिंगर ले नहीं रहा है, आप 10 मिनट 20 मिनट वेट कीजिए फिर नेक्स्ट डे आइए। तो यहाँ पे उनकी भी गलती नहीं है, सर्वर सही से काम करेगा तो कर सकते हैं। हाँ, इतने लोगों का करना है तो उनका वहाँ पे वो है कि हम उनसे कुछ छोटा सा चार्ज लें, क्योंकि हमें करने में सही रहे, क्योंकि वो टाइम अपना देंगे, केवाईसी करेंगे, आधार कार्ड वगैरह लगाएंगे, कैप्चर करेंगे, तो
तो आप समझ सकते हैं कि उनका ये भी बात जाहिर सी बात सही है। तो फ्रेंड केवाईसी जब भी चालू होती है, राशन डीलर अगर केवाईसी करता है तो आप उसके पास जाइए और वहाँ पे आप केवाईसी करवा लीजिए। और अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में हैं, कहीं शहर प्रदेश में हैं, तो आप वहाँ पर भी किसी राशन डीलर से बात करेंगे तब भी वो आपका कर देगा। हाँ, इसमें भी है कि राशन डीलर बोलेंगे भैया आप दूसरे स्टेट से हैं, हमारे इधर नहीं होगा, बट आप उनसे कन्विंस करेंगे तो वो मान जाएंगे, वो करेंगे भी और लोग करते भी हैं। मैंने यहाँ पे एक वीडियो देखा था, उसमें बताया गया था कि राशन डीलर था, बोला था कि अदर स्टेट के उनका करने, तो वो कर रहा था। अभी भी करने जाएंगे तो उसका सर्विस जो है चल रहा है सही, कभी कभी सर्वर नहीं चलता है, बट अभी भी इसकी डेट बढ़ाई जा चुकी है। राशन केवाईसी अगर हो रहा है, आप अपने कोटेदार से संपर्क कीजिए तो वहां पे आप अपनी राशन की केवाईसी करा लीजिए। और अभी फ्रेंड यहाँ पे नीचे देखिए बताया गया, यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार श्रेणी दिनांक 30 सितंबर 2024 तक नहीं की जाएगी, तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से दिनांक 1 अक्टूबर के प्रभाव से विलोपित करने की कार्रवाई की गई, यानी कि काट दिया जाएगा आपका नाम, और ऐसे सदस्यों के विरुद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा, आपका नाम काट दिया जाएगा। तो आपको जाहिर सी बात है कि आपका जो राशन कार्ड है उस पर आपका जो राशन मिलता है आपके यूनिट का, वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप पता करते रहिए, अपडेट में रहिए, जैसे केवाईसी शुरू होती है आपके राशन डीलर के पास, आप वहाँ पे जाकर के केवाईसी करवा लीजिए। सो फ्रेंड यही अपडेट था, अगर आपको नहीं पता था कि हाँ 30 जून तक जो है इसका अपडेट था वो निकल चुका है, हमारे नहीं हुआ, आप परेशान थे, तो आप जो है अभी निश्चिंत हो जाइए, 30 जून तक भी इसका जो है केवाईसी का लास्ट डेट है। तो आप 30 सितंबर का, तो आप 30 सितंबर तक जो इसकी केवाईसी करा सकते हैं, बट केवाईसी होनी चाहिए, जब शुरू होगी तो आप उसको करवाइएगा, आप उनसे संपर्क में रहिएगा। तो ये चीज़ें फ्रेंड मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो अगर आपका इसमें और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।